एक ट्वीट करके बोला है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो दलित आदिवासी और पिछड़े लोगों का आरक्षण खत्म कर देगी और लोकतंत्र को बदल देने की बात कही। क्या मानते हो कि इस तरह से स्टेटमेंट? राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया, आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया, आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी है।